हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी अभी डायग्नोस हुई है तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप एक माँ बनने वाली हैं और ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। तो ये जो 9 महीने की जर्नी है उसको एंजॉय करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चे की ग्रोथ के लिए भी आपको बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है और अपने आपको मेंटेन रखने के लिए भी अच्छे खाने की जरूरत होती है। बट दिमाग में ये टेंशन आ रही है कि मुझे खाना क्या चाहिए, मैं कौन सी चीज खाऊं कौन सी नहीं खाऊं, क्योंकि आजकल की न्यूक्लियर फैमिलीज में बड़ी मम्मी, सास या माँ या दादी के ज्ञान नहीं बचा है। इसलिए अब आप हमारे YouTube चैनल से ये ज्ञान ले सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी की जर्नी में आप क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए न्यूट्रिशन वाइज टिप्स देने जा रही हूं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में हमारे साथ। प्रेगनेंसी के अंदर कुछ ऐसी डाइट होती है जो हमें अवॉइड करनी होती है और कुछ ऐसी डाइट होती है जिससे कि हमें ज्यादा खाना होता है। तो यदि आपकी प्रेगनेंसी अभी डायग्नोस हुई है और आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में ही है, तो ऐसी स्थिति में आपको अजवाइन है, कच्चा पपीता है, कच्चा अंडा है, ये चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें अबॉर्टिव पेशेंट में काउंट होती है, यानी कि इससे बच्चा खराब हो सकता है या गर्भ गिर सकता है। तो ये अजवाइन जैसी चीजें हमें नहीं खानी होती है, क्योंकि ये बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अब दूसरा सवाल आता है कि खाएं क्या, और आप ये भी कहेंगे कि मैं खाऊं कैसे, मुझे तो बहुत ज्यादा नौजिया हो रहा है, बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही है और आप मुझे खाने की बात कर रही हैं। तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जिससे कि जो नौजिया और वॉमिटिंग आपको हो रही है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है, जिससे कि आप आगे खाना खा पाते हैं। यदि आप खाना नहीं खाएंगे, न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, तो आपको कमजोरी आएगी और बच्चे की ग्रोथ भी नहीं आ पाएगी। तो ऐसी स्थिति में कई बार हमें सॉलिड खाना नहीं खाया जाता तो हम लिक्विड डाइट ले सकते हैं। लिक्विड में आप ORS ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल्स का सूप बनाकर ले सकती हैं, और साथ ही साथ दाल ले सकती हैं, पानी, दाल का पानी ले सकती हैं, नारियल पानी ले सकती हैं, छाछ ले सकती हैं, लस्सी ले सकते हैं, दूध ले सकती हैं, मिल्क शेक ले सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, घबराएं नहीं, टेंशन ना लें। इतनी सारी चीजें यदि आप 2-2 घंटे के अंदर आप लेती हैं तो डेफिनेटली आपको किसी प्रकार की एनर्जी की कमी नहीं होगी। और इसके साथ ही साथ आप चटपटा खाना भी खा सकते हैं, आप तेल वाला खाना भी खा सकती हैं यदि आपको अच्छा लगता है तो, यानी कि आप फ्राइड फूड ले सकती हैं, बट जनरली हम एडवाइस नहीं करते हैं। आप पराठा, अचार खा सकती हैं, सब्जियां बहुत सारी खा सकती हैं जो कि आपको अच्छी लगती होंगी, मसाला आप अपने हिसाब से डाल के ले सकती हैं। और जब भी आप मिल्क शेक या फ्रूट शेक बना रही हैं तो आप उसमें ड्राई फ्रूट्स और क्रीम ऐड कर सकते हैं जिससे कि एनर्जी क्वेश्चेंट उसका बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारी हमने एडवाइस दी है कि आपको क्या क्या खा सकते हैं। इसके अलावा आपको मनाही किसी प्रकार की नहीं होती, आप फ्रूट चाट ले सकती हैं, नॉर्मल चाट आप बना के खा सकती हैं, मूंगफली ले सकती हैं, चना ले सकती हैं जिनमें कि काफी सारा प्रोटीन होता है, पनीर के आप कई सारे प्रिपरेशंस बना सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत सारी एनर्जी देने वाला है। अब यदि आप सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं, यानी कि आपके 3 महीने पूरे हो चुके हैं, आप 4th, 5th, 6th महीना चल रहा है, वहां पे आपका नौजिया और वॉमिटिंग काफी हद तक खत्म हो जाता है और आपकी भूख भी बढ़ने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत सारा और भी चीजें ट्राई कर सकते हैं, यानी कि अब आप सॉलिड फूड आराम से खा सकते हैं, लिक्विड डाइट पे आपकी डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति में हम आपको बोलेंगे कि आप एक अच्छी बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें कि सब्जियां हो, दूध हो, दही हो, छाछ हो, और हरी सब्जियों को काफी सारा ऐड करना होता है। सुबह सुबह आप दूध और पराठा ले सकती हैं, 10-11 बजे के आसपास आप एक अच्छा फल ले सकती हैं, 1 बजे के आसपास लंच ले सकती हैं, लंच में आप चावल, दाल, दही, पनीर और सब्जियां ऐड कर सकती हैं, पराठे ऐड कर सकती हैं। फिर आप 4 बजे के आसपास वापस से कुछ मुरमुरे, चना या और कुछ पोहे या कुछ सूखा खाना या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है चाय के साथ आप वो ले सकती हैं, आप बिस्किट ले सकती हैं, मठरी ले सकती हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप खा सकती हैं। 6-7 बजे के आसपास आप ग्रीन सैलेड ले लीजिए और 8 बजे के आसपास आप अपना डिनर पूरा कर लीजिए और रात को दूध पीकर आप सो सकती हैं आराम से। और जब भी आप खाना खाती हैं तो इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक जरूर कर लीजिए ताकि जो भी आप खा रही हैं वो डाइजेस्ट अच्छे से हो सके। खाने के अंदर कैल्शियम वाली चीजें ऐड करनी है जो कि दूध, दही, छाछ, पनीर और चीज हो सकती है, और आयरन वाली चीजें भी ऐड करनी है जिसमें कि आपको चुकंदर, एप्पल, बनाना और ग्रीन वेजिटेबल्स होती है जिसमें कि आपका बथुआ आ गया, पालक, बथुआ और गाजर और चुकंदर, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है जिससे कि आपको आयरन और कैल्शियम बराबर मिलता रहे। और प्रोटीन के लिए आप पनीर ले सकती हैं, एग ले सकती हैं, सोयाबीन ले सकती हैं और साथ ही साथ बहुत सारी दालें, चना ले सकती हैं, मूंगफली ले सकती हैं, मूंगफली और गुड़ की जो तिलपट्टी आती है वो आप खा सकती हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल होती है। तो इस तरीके से आपको आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन रिच फूड लेना होता है।
होता है और जनरली ये जो आप मिक्स डाइट लेती हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। आयरन की कमी पूरी करने के लिए फिर भी हमें आयरन की गोली खानी पड़ती है, क्योंकि वेजिटेबल आयरन जो होता है वो बहुत कम एब्जॉर्ब होता है, इसलिए गोली जरूरी हो जाती है ताकि बच्चे को और आपके शरीर में आयरन की कमी ना हो। और कैल्शियम का सप्लीमेंट भी कई बार एडवाइस किया जाता है, तो डाइट के साथ साथ आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट भी बहुत जरूरी है। आई थिंक कि अभी तक आपको ये क्लियर हो गया है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और जैसे ही आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं, यानी कि अब आपका सातवां आठवां नवां महीना चल रहा है, तो अब आपको एनर्जी की थोड़ी और जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि यही टाइम होता है जब बच्चे का वजन बढ़ रहा होता है। तो आप अपनी भूख के अनुसार खा सकते हैं, डाइट को थोड़ा बढ़ा सकती हैं, और साथ ही साथ आप उसमें डाइट को बढ़ाने के लिए कुछ घी जैसी चीजें भी इस्तेमाल करती हैं कर सकती हैं, जिससे कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाए। घी, दूध, दही, छाछ बहुत अच्छी चीजें जो आप खा सकते हैं, और अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो आप नॉनवेज भी ऐड कर सकती हैं। मिर्च मसाला इस समय हम आपको बोलेंगे कि थोड़ा कम लीजिए, क्योंकि ऐसे समय पर जब बच्चे का वजन बढ़ चुका होता है और पेट में जगह कम हो जाती है तो एसिडिटी की समस्या काफी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग अब आपको चाय पीने की सलाह कम देते हैं, मिर्च मसाला कम करने की सलाह देते हैं और नॉर्मल खाना खाने की ज्यादा सलाह देते हैं। और खाना खाने के बाद आपको घूमना बहुत जरूरी होता है ताकि आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके। और अभी तक आपने यदि ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए हैं तो ड्राई फ्रूट जरूर ऐड कर लीजिए डाइट के अंदर, और आप ड्राई फ्रूट्स और घी के लड्डू बना के भी खा सकती हैं, जो कि आपको अच्छी एनर्जी दे सकते हैं। और यदि आप पानी नहीं पी रही हैं बराबर, तो 3 से 4 लीटर पानी जरूर पी लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है, आंतों पर प्रेशर बढ़ता है, तो कई बार कब्जी की समस्या भी हो जाती है, जिससे कि आपको खाना खाने में तकलीफ आती है। तो ये सारी चीजें आप आराम से मैनेज कर सकती हैं और एक हेल्दी बच्चे को अच्छे वजन के साथ डिलीवर आउट कर सकती हैं। आपको लगता है कि कुछ खाने के भी समस्या बची है जो कि वीडियो के थ्रू कवर नहीं हुई है, तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट से बात कर सकती हैं, जो आपको प्रॉपर डाइट चार्ट भी दे सकते हैं। और भी कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, जहां पे हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। और आपको इसी प्रकार के और वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और यदि नोटिफिकेशन नहीं मिला तो डेफिनेटली आपको ये सारी नॉलेज भी नहीं मिलेगी। और इंस्टा और फेसबुक पर भी हम लोग सेम नॉलेज शेयर करते हैं, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकती हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।